गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से और ज्यादा एक्साइटमेंट से जो है भर देने वाले हैं। कि ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको अंदर से एक्साइटमेंट से और भी ज्यादा भर देंगे। सबसे पहला पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गुला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से MSG ऑल इन वन। अगर आपने मेरा चैनल ये वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पहला चैनल है मेरा, अपने चैनल मनेंद्र सिंह गुला ऑन पैसिव, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोनों ही चैनल मेरे ही हैं और यहाँ पे दोनों पे जो है बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग प्रकार की आपको मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी हाल में छूट ना पाए। नंबर वन पॉइंट, वेबसाइट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के बारे में अभी ये सवाल था कि अभी हमारी जो वेबसाइट मंडे को चेंज होती है वो अभी चेंज नहीं हुई है। और अभी जब हम खोल के देखते हैं तो वही हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस के वही सारी की सारी ग्राफिक्स, वही सारी की सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक चेंजिंग हुई है, शायद हमने उसको गौर नहीं किया है, और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी है। और वो हम सब लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे कस्टमर के लिए भी जो है एक बहुत ही अच्छा संकेत भी है। वो क्या है? हमारी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के पेज को अगर आप ऊपर नीचे करके देखेंगे, ऊपर करके देखेंगे, तो आपको नीचे की साइड में आपको हमारे जो पेमेंट के ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे पेमेंट के ऑप्शंस आपको वहां पे नजर आने वाले हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग है। और इससे पहले ये हमारे पेमेंट के ऑप्शन यहां पर नजर नहीं आ रहे थे। इससे पहले ये नजर कहां आ रहे थे? हमारे सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम के लॉगिन वाले पेज पर। तो वहां पर भी है और यहां पर भी है, ये एक इसमें चेंजिंग हुई है। सो यहां पर हर मंडे को जो वेबसाइट चेंज होती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो नया चेंज होता ही होता है। वर्ल्ड कप को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में जो है क्यूरियोसिटी बनी हुई है, बहुत ही एक्साइटमेंट है। लोगों को ये लग रहा है कि हमारा जो वर्ल्ड कप आने वाला है और उसमें हम सब लोगों को बहुत ज्यादा हमें पब्लिसिटी मिलने वाली है। और ये वास्तव में बात सही भी है, क्योंकि नजाल सर इस समय तो छुट्टी पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं अपने इस वर्ल्ड कप को और भी ज्यादा फेवलस बनाने के लिए। बिकॉज हमारे वर्ल्ड कप के अंदर आपको पता है कि ऑन पैसिव का नाम भी जो है एज ए स्पॉन्सरशिप में जो है जाना है। और जब कहीं ना कहीं मोबाइल अपने ऑन पैसिव का नाम वर्ल्ड कप में जाएगा, तो रातों रात यहां पे बहुत सारे लोगों को ऑन पैसिव का नाम एटलीस्ट पता चलेगा कि व्हाट इज ऑन पैसिव। जो फाउंडिंग मेंबर हैं ऑलरेडी, उनको तो पता है, और जो उनके आसपास लोग रहते हैं उनको भी पता है, लेकिन उन लोगों को पता चलेगा जो सिर्फ अपने ही काम में मगन रहते हैं, जॉब करते हैं या अपना और कोई प्लस बिजनेस करते हैं, कोई भी करते हैं, जिनको ऑन पैसिव के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनको भी ऑन पैसिव के एटलीस्ट नाम के बारे में तो पता चलेगा कि ऑन पैसिव क्या है। जब वो नाम देखेंगे तो हमारी वेबसाइट को भी सर्च करेंगे। तो इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बनी हुई है। कल की ऐसर की बातों को सुनने के बाद सभी का कम से कम 2 किलो से ज्यादा खून बढ़ गया होगा। जी हाँ, क्यों बढ़ गया होगा? क्योंकि जब मन में एक एक्साइटमेंट आती है, उल्लास आता है, खुशी का माहौल होता है, तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो उसी तरीके से काम करने लगते हैं। सो यहाँ पे हम सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अगला स्टेप जो आने वाला है वो वास्तव में बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर की जो पलके हैं वो अपने पलके बिछाए बैठे हुए हैं और वो देखना चाहते हैं अपने माई वॉलेट के अंदर 97 डॉलर वो देखना चाहते हैं। और बहुत ही ज्यादा दिन अब नहीं लगेंगे शायद, जैसा कि एसएन ने बताया है, हो सकता है कि ये पेड वर्जन पर हमारा जो ओ कनेक्ट का वेबिनार होगा उससे पहले पहले हमारे 97 डॉलर आ जाएं। सो बहुत सारे मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स हमारे पलके बिछाए बैठे हैं और जैसे ही उनको 97 डॉलर नजर आते हैं वो खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, खुशी के मारे झूम उठेंगे। उनका कोई भी एक कहते हैं कि कोई एक लेवल नहीं रहेगा खुशी का। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी खुशी मिलने वाली है। ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो ओ कनेक्ट है ना, वो ओ ट्रैकर से पहले कमर्शियल हो, क्योंकि ओ ट्रैकर भी ऑलरेडी जो है रेडी है, लेकिन वो ओ कनेक्ट को सबसे पहले कमर्शियल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, लोग इसमें आएंगे जाएंगे, लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और जो ओ ट्रैकर है वो हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे कि मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी फिलहाल, एंड बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनके पास वेबसाइट नहीं है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ओ कनेक्ट मीटिंग करने के लिए तो हर कोई इस्तेमाल करेगा ही करेगा, चाहे वो हमारे इस बिजनेस के अंदर हो चाहे वो दूसरे बिजनेस के अंदर हो। सो यहाँ पे ओ कनेक्ट इसीलिए सबसे पहले कमर्शियल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विनर्स के नाम को लेकर के उन्होंने बताया था कि इसका लाइव अनाउंसमेंट होगा हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार के अंदर। जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होगा
मैक्सिमम विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर या 2 वीक्स के लास्ट में भी हो सकता है। सो उस वेबिनार के अंदर 5 हमारे जो विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट होगा और इसके लिए भी उसी तरीके से अनाउंसमेंट किया जाएगा जिस तरीके से पहला अनाउंसमेंट किया गया था, किसी व्हील को घुमा करके लाइव किया जाएगा। यहां पर यह नहीं है कि कोई भी किसी के साथ मजाक किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लाइव किया जाएगा। वो मीडिया डिपार्टमेंट खुद उन सारी चीजों को लाइव करेगी। बुर्ज खलीफा पे जो हमारा 134 नंबर का जो ऑफिस है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस पर काम चल रहा है। इसके बारे में भी जो है एसबो फारसन ने बताया और हम सब लोग जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पे ऑफिस लेना, वहां पे बनाना, वहां पर वहां के जितने भी सारे के सारे खर्चे हैं उनको मैनेज करना, तो सब कुछ वहां पे हो रहा है। वो सब हम लोगों की एक बहुत ही बड़ी एक जीत के लिए, सफलता के लिए सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो बुर्ज खलीफा पे जब भी हमारा ऑफिस पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जब कभी भी दुबई जाने का मौका मिलेगा तो हो सकता है कि आपको वहां पर भी जाने का जरूर मौका मिले। 134 नंबर फ्लोर का एक और फ्लोर है, उसका तो शायद हो सकता है कि काम पूरा हो गया हो। हमारे एप्लीकेशंस के बारे में जो है बताया इसमें फारे सर ने कि ये हमारे गूगल पे एंड हमारे एप्पल के स्टोर पर भी जो अवेलेबल रहेंगे हमारे जो एप्लीकेशन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक सलाह ये दी है कि आपको गूगल से या किसी भी गूगल से और एप्पल के जो प्ले स्टोर है वहां से आपको ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसका एक खास रीजन ये है क्योंकि इन सारे एप्पल हो गया, गूगल हो गया या जो भी हमारे प्ले स्टोर होते हैं वहां पे एक फेक एप्लीकेशंस भी होते हैं, वहां पे स्टोर कर दिए जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं और उसके नाम से अगर मिलता जुलता अगर नाम आपको दिखाई देता है और गलती से अगर आपने कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ओईएस के अंदर ही आपको डाउनलोड करना है। जी हाँ, इस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है, इस चीज को ध्यान रखें। हम अपने कमर्शियल होने के बिल्कुल नजदीक हैं, बिल्कुल पास आ चुके हैं। आप अपने फंड की तैयारी जितनी जल्दी हो सके आप करना शुरू कर दीजिए क्योंकि कमर्शियल आपको पता है कि हमारा पेड वर्जन ओ कनेक्ट पे कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है और उसके आगे पीछे जो है हमारा ये कमर्शियलाइजेशन जो है हो जाएगा। सो इसलिए हमें फंड की तैयारी करनी पड़ेगी। फंड का मतलब यह है कि हमारा जो पैकेज है या ओ कनेक्ट है वो कितने का आएगा। सो आपको अपना पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके जरूर रखनी है ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको किसी से कोई भी जो है एकदम जल्दी जल्दी में सारे काम नहीं हो पाते हैं। फिर तो पहले से ही आप इंतजाम कर लीजिए कि ये इतने का हो सकता है, इतने का हो सकता है। सो इस हिसाब से अगर पहले से आपकी फंड की तैयारी है सो कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ही जल्दी और तुरंत के तुरंत बाय भी कर पाएंगे अपने ओ कनेक्ट को या अपने पैकेज को। आने वाले समय में हमारा जो बिजनेस है वो ऑटो मोड पे जाने वाला है, हम सबको पता है अच्छी तरीके से, लेकिन इसके लिए भी हमें अपनी तैयारी कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। अपनी तैयारी का मतलब ये है कि हमें हॉलीडे पे जाना है, हमें छुट्टियां बिताने के लिए जाना है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो आपका जो सिस्टम है वो ये है, सो उसके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था उन्होंने बताई थी कि आपको फंड की व्यवस्था या आपको मैनेज करने की व्यवस्था, अपने बिजनेस को चलाने की व्यवस्था, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। अगर आप कहीं पर भी चले जाते हैं और आप ओईएस को टच भी नहीं करते हैं तब भी आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक जो है चलता रहे, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चलता रहे, आपकी इनकम लगातार आती रहे। सो ये जो उन्होंने बताया था ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है और इसको हम बाद में समझेंगे जब हमारा बिजनेस कमर्शियल हो जाएगा। 2-4 महीने हम बिजनेस को कर लेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से वहां पे हमें मैनेज करना है और किस तरीके से हमें वहां पे क्या काम करना है कि अगर हम 10-15 दिन के लिए भी अगर बाहर चले जाते हैं, ओईएस के लिए अगर हम लॉग इन नहीं भी कर पाते हैं, किसी कारणवश नेटवर्क नहीं है या कुछ और भी है, सो हमारा बिजनेस ऑटोमोड पे चलता रहे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को हमें प्रैक्टिकली सीखने में ज्यादा मजा आएगा। यदि आप बिजनेस का ख्याल रखेंगे तो आपका बिजनेस ख्याल रखेगा। ये बहुत अच्छी बात कही हमारे एसमो फारे सर ने कि अगर आप बिजनेस का ख्याल रखेंगे तो बिजनेस आपका भी ऑटोमेटिक ख्याल रखेगा। ये वही बात हो गई कि अगर आप पैसे का ख्याल रखते हैं तो पैसा आपका ख्याल रखता है, अगर आप समय की कदर करते हैं तो समय आपकी कदर करता है। सो इसीलिए यहां पर यह भी बात सही है कि अगर हम बिजनेस का ख्याल रखेंगे, बिजनेस की कदर करेंगे तो आने वाले समय में ये बिजनेस आपको ऑटोमोड पर चला जाएगा और ये आपकी खुद ब खुद जो है कदर करेगा, आपका ख्याल रखेगा। ख्याल का मतलब है कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा और सबसे बड़ी चीज होती है पैसा, क्योंकि बिजनेस से ही आपको लगातार यहाँ पे पैसा आता रहेगा। सो इसी चीज की कभी कभी भी किसी भी टाइप की कोई भी कमी नहीं आने देगा, तो इसके लिए हमें ख्याल तो रखना ही पड़ेगा।
और इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें सीखनी भी पड़ेंगी। अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर बिजनेस को कर कैसे पाएंगे। मैंने आपसे कई बार कहा है कि केवल बेड पे सोने से या फिर चारपाई पे लेटने से आप सोच रहे हैं कि पैसे आ जाएंगे, इनकम आ जाएगी। नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी नहीं सीखनी पड़ेंगी कि आप जो है उस काम को कर ना पाए। इतना हार्ड एंड फास्ट कोई काम नहीं होगा कि आप उस काम को कर ना पाए। आपको बस सिंपल बहुत सारी कुछ स्टेप्स होंगे, उनको आपको बस फॉलो करना है। फॉलो करते जाइए और पैसे बनाते जाइए, फॉलो करते जाइए पैसे बनाते जाइए बस। सो बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है एक्साइटेड रहना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा डायरेक्टली जो है कमर्शियलाइजेशन ही होने वाला है और इसी की ही सारी तैयारी चल रही है। ओके, सो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये थी हमारी आज की टोटल अपडेट। आई होप ये पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू बिनेट।